जिले के ब्लैकवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार रात करीब 8:30 बजे पेट्रोल पंप संचालक को गोली मार कर 68,000 रुपये लूटने की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। घायल को ठीकरी प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया। ब्लैकवाड़ा थाना प्रभारी सुरेश महाले ने बताया कि 48 वर्षीय प्रताप सागर निवासी ठीकरी रविवार रात 8:30 बजे बाइक से ठीकरी की ओर जा रहा था। इसी दौरान एबी रोड के समीप बाइक से आए अज्ञात आरोपियों ने प्रताप को गोली मार दी और उसके बैग से 68,000 रुपये नकद और मोबाइल लेकर फरार हो गए। थाना प्रभारी ने बताया कि घायल प्रताप को ठीकरी शासकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया है। उसे जांघ में गोली लगी है। आरोपियों की खोजबीन की जा रही है। एसपी ने बताया कि पेट्रोल पंप संचालक से लूट के दौरान संभवतः टियर गन का इस्तेमाल किया गया है। मामले में जांच जारी है। संभवतः रेकी कर घटना को अंजाम देना पाया गया है। एसपी ने अपील की है कि कैश लेकर चलने वाले लोग अकेले सफर न करें, रोजाना एक ही रास्ते से न जाए। अधिक कैश होने पर टू व्हीलर के बजाय फोर व्हीलर का इस्तेमाल करें। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, कल रात्रि में लगभग 8:30 बजे के आसपास एवी रोड पर खलटा का चौकी के पास में एक लूट की घटना हुई है। इसमें एक पेट्रोल पंप का मैनेजर कुछ कैश लेके जा रहा था, उसको दो व्यक्तियों ने चेज किया है और उसके बाद नकदी राशि लूट के ले गए हैं। ये भी संज्ञान में आया है कि उन दोनों में कुछ विवाद भी हुआ था और विवाद के दौरान कोई एयरगन जैसी चीज़ से उसको जांघ में चोट लगी है। उसे मेडिकल कराया गया, मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी चोट किस प्रकार की है। पेट्रोल पंप का जो जानकारी मिली है, सामान्यतः वो बैंक में पैसा जमा कराते हैं और संडे होने के कारण पैसे नहीं जमा कराए गए थे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लू इसमें लगे हैं, हमको लगातार हमारी टीम काम कर रही है, जल्दी इसमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आज जो रिपोर्ट की गई 68,000 कैश था जिसको लेके वो पेट्रोल पंप से रवाना हुए थे और पेट्रोल पंप से लगभग 10 किलोमीटर दूर जाके घटना हुई है। इस प्रकार के जो कैश के ट्रांजेक्शन होते हैं, चाहे वो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हों या फिर क्योस बैंक के ट्रांसफ़र्स हों या पेट्रोल पंप के ट्रांसफ़र्स हों, जो व्यक्ति कैश लेके जा रहे हैं, सबको हमने सूचित कराया है कि कैश का सुरक्षित मूवमेंट होना चाहिए, सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए। सामान्यतः बाइक में इंडिविजुअल जब रूटीन वे में कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो टारगेट बनते हैं। इस घटना में भी पेट्रोल पंप कर्मचारियों को पूर्व में अवगत कराया गया था, लेकिन घटना घटी है, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सुराग हमको मिले हैं, जल्दी केस का खुलासा होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।